नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी पर इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूं सीमा द्वारसी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। खबर जौनपुर से है, जहां सार्वजनिक जनता जूनियर हाई स्कूल में दो दिवसीय वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताते चले कि दो दिवसीय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के प्रथम दिन बच्चों द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना गीत से की गई और बच्चों द्वारा प्रथम दिन देशभक्ति गीतों पर नृत्य किया गया। तो वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन जिला पंचायत सदस्य त्रिभुवन यादव व सुरेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्यारे मोहन व अखंड प्रताप यादव व अरसिया के ग्राम प्रधान मनोज यादव का विद्यालय के प्रबंधक राम बदन यादव ने माला पहना विद्यालय में स्वागत किया। तो वहीं विद्यालय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक गीतों पर नृत्य किया। तो वहीं मंच का संचालन कर रहे प्रशांत सिंह ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। आज आपके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, वो किस उपलक्ष्य में रखा गया था? जी, ये वार्षिक उत्सव कार्यक्रम जो है, हर साल बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास के लिए उनके उत्साहवर्धन में हम रखते हैं, और इससे विद्यालय का जो है एक उत्साहवर्धन भी हो जाता है और थोड़ा सा क्षेत्र में नाम भी हो जाता है। अब बच्चों के अंदर जो नृत्य कला है, सांस्कृतिक कला है, उसके प्रति जो है थोड़ा सा लगन भी हो जाती है, इसलिए इस कार्यक्रम को हम हर साल जो है दो दिन के लिए रखते हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आप क्या है, तुम बता रहे हैं? बस वार्षिक उत्सव का मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि पठन पाठन और क्रियाकलाप तो बच्चों के अंदर अध्यापक के गाइडेंस में हो सकता है, लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वह जो है बच्चों में जब तक मंचन नहीं होता, 1000-2000 बच्चों में बोलने की उनकी जो है कला नहीं विकसित होती, तब तक उनके अंदर एक जो है हिचक रह जाती है। इसलिए जो है इस कार्यक्रम को करके जो भी बच्चे उत्साहित होकर के इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, उनको हम मंचन के माध्यम से सिखाने का एक मुख्य उद्देश्य होता है। अच्छा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोई आए थे कि बस स्कूल के सब? नहीं, मुख्य अतिथि के रूप में तो कई लोग आए थे। अब सुरेंद्र यादव जिला पंचायत सदस्य जो हैं वो आए थे, और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्यारे मोहन जी आए थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अखंड प्रताप यादव आए थे, और जिला पंचायत सदस्य त्रिभुवन यादव डेहरी वो आए थे। ऐसे ऐसे करके कम से कम सम्मानित 3-4 विद्यालय के प्रबंधक को लेकर के 12 आगंतुक जो है आए थे, जिसमें कि मुख्य रूप से हम इस विद्यालय के कार्यक्रम में आगंतुक के रूप में जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव जी को मनोनीत किए थे। जौनपुर से ऋषभ तिवारी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।